वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल लर्न विद मी। सो गाइस, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, मैंने अपना बेस्ट दिखाया है। सो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है हमें उनको कैसे पहचानना है। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके सेंटेंस के लास्ट में आएगा चुका है या चुके हैं और चुकी है। मतलब ऐसे जो वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो आप समझिए कि वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका है, चुके हैं या चुकी है, मतलब ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। अब इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स परफेक्ट एक्शन इन प्रेजेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी टेंस है मतलब उसी के बेस पर हमें जो डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, यहाँ पे डिनोट्स परफेक्ट, अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो डिनोट्स कंटिन्यूअस एक्शन, इनडेफिनेट होता सो इनडेफिनेट। ठीक है, सो ये इसके डेफिनेशन है परफेक्ट एक्शन इन प्रेजेंट। ठीक है, अब फिर फोर सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उन पे बताती है। फोर सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, इसके फॉर्मेशन बहुत ही इजी है। पिछले जो हमने दो टेंस पढ़े हैं उनमें हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस में ओनली फर्स्ट फॉर्म आई है वर्ब की, बट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। ठीक है, सो देखिए स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैव। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस की मेन जो आइडेंटिफिकेशन, इसे भी माना जाता है। ठीक है, अब हैज कहाँ पे लगेगा, हैव कहाँ पे लगेगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज का यूज होगा और हैव प्लूरल है तब, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हैव का यूज तब होगा जब आई और यू हो और बाकी जो प्लूरल है उसके साथ। ठीक है, हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये आप इसका एग्जांपल देखिए, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे वह यानी सब्जेक्ट ही, अब ही सिंगुलर है सो आएगा हैज, ही हैज, अब जाना यानी गो, ही गो वेंट और गोन, थर्ड फॉर्म है गोन, ही हैज गोन, अब जा चुका है, कहाँ जा चुका है, बाजार। अब सेंस बनाने के लिए टू का यूज करेंगे और ये बनाते हम जो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश वो आपको समझ आ गया होगा। अब फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें सिंपली वही चीज है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड करना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इस नॉट को अगर हम हटा दें तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आ गया। अब आप सिंपल सेंटेंस की अगर ये जो याद कर लेते हैं ना स्ट्रक्चर, सो नेगेटिव सेंटेंस की आपको आ जाती है। एग्जाम्पल देखिए, वह बाजार, या फिर यही लिखे वह बाजार नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका है, या फिर आप इसे लिखते हैं वह बाजार
नहीं गया है। ठीक है, वह बताने क्या है, वह यानी सब्जेक्ट ही, फिर ही के बाद हैज, यहाँ पे आएगा हैज प्लस नॉट प्लस फॉर थर्ड फॉर्म यानी गॉन और फिर ऑब्जेक्ट टू वाज। ये इसका एग्जांपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जो भी मैंने आपको करवाया वो अगर आपको समझ में आता है तो मतलब मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मेरे वीडियोस को लाइक भी जरूर कीजिए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज पहले आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगाना कभी मत भूलिएगा। एग्जांपल देखिए, क्या वह बाजार जा चुका है, बाजार क्या वह सॉरी या फिर वह बाजार जा चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या अभी यहाँ पे वह आ गया तो हैज, वह सब्जेक्ट यानी ही, हैज ही जाना वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी गोन और जेफ टू बाजार और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो ये अभी मैं आपको सिंगुलर पे समझा रहा हूँ, अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस आते हैं सो बस आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी है, आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कोई भी सेंटेंस हो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का उसे आप बना सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस की थी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हमें इन दोनों को आगे पीछे लिखना है। ठीक है, अब जब इनको हम सीधा कर देते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस आता है, नेगेटिव में होता है क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, तो यहाँ पे अगर हम नोट लगा दें तो ये वही नेगेटिव बन गया। अब अगर इन्हें उल्टा कर देते तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह बाजार नहीं गया है, क्या वह बाजार नहीं गया है, क्या हैज वह सब्जेक्ट ही हैज ही नहीं यहाँ पे नॉट प्लस थर्ड फॉर्म यानी गॉन एंड ऑब्जेक्ट टू बाजार साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको कंप्लीट ये जो समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।